मेरा नाम है स्निड मिस्ट और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे और मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तो इसी के साथ गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो फाइनली मेरे पास मेरा पार्सल आ गया है। ये पार्सल मुझे जापान से डायरेक्टली नहीं आया है, ये वाया गुजरात आया है। हमारे प्यारे मित्र प्रासित पाल जो कि है अल्टीमेट ड्राइविंग जीटी, उन्होंने ये पार्सल को मेरी तरफ पहुंचाया है, डायरेक्ट किया है। और चलिए गाइस आज इस पार्सल का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस पार्सल में क्या है। बहुत लोगों को पहले से ऑलरेडी आइडिया तो होगी और बहुत लोग इसके लिए रुके हुए थे कि स्निडमिस्ट ये चीज के बारे में अनबॉक्सिंग करो। तो यार फाइनली हमारे पास ये पार्सल आ गया है और हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यार कमेंट सेक्शन में जाके कुछ बोल सकते हो तो देखो कि ये पार्सल में आखिर में है क्या, कुछ गेस करो और देखो क्या आपके गेसेस राइट होते हैं कि नहीं। वैसे तो ग्रीन कलर का पैकिंग फर्स्ट टाइम है, जापान ने काफी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। यार इनके बबल पैकिंग बहुत ही जबरदस्त होते हैं मुझे ऐसे लगता है। तो गाइस चलिए 3-2-1 हो जाए शुरू। तो यार यहाँ पे है बेब्लेड एक्स, मैं बेब्लेड बर्स्ट बोलने वाला था एक्चुअली, पर हाँ कंफ्यूजन नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे है बेब्लेड एक्स के बहुत सारे स्टार्टर्स, बूस्टर्स और क्या क्या डेजर्ट्स। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या है बॉक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है हेल साइट, यहाँ पे BX5 हेल साइट है ये मेरे हिसाब से, या फिर विजार्ड एरो 480B। तो ये बॉल टिप के साथ आता है विजार्ड एरो, कौन सा वाला लाल कलर, ये बूस्टर विजार्ड एरो है मेरे हिसाब से। हाँ ये एक बूस्टर पैक है, इसमें लॉन्चर नहीं आएगा। तो ये है पहला आइटम इसमें। दूसरा आइटम यहाँ पे है नाइट शील्ड, तो ये बहुत ही कमाल का आइटम है यार, ये इसको अनबॉक्सिंग तो बहुत अच्छे से करेंगे। इसके पास हाई नीडल है ड्राइवर और 480, अरे इसमें भी 480 था ना, अरे इसमें भी 480 है, इसमें भी 480 है जो रैचेट है वो। और ये है नाइट शील्ड, ये खासकर आई गेस मेरे हिसाब से एक ही बंदी का बेब्लेड है, वो नाइट लैंस और नाइट शील्ड, सॉरी ये नाइट लैंस है और फिर नाइट शील्ड वो भी रहेगा इसमें। उसके बाद ये है नाइट शील्ड गाइज, ये नाइट शील्ड है और BX06 380N नीडल। तो ये है गाइज मेरे हिसाब से नाइट शील्ड, पर ये अलग ही कलर में है, मतलब बेब्लेड का कॉम्बो स्टॉक है बट भलतड़ कलर में, मतलब जैसे कि ये रेड कलर का विजार्ड एरो है, ये ब्लू कलर का नाइट शील्ड है, ऐसा मतलब इंटरचेंजिंग है इसमें। अब जाते हैं अगले बेब्लेड्स की और नीचे जो है बॉक्स को साइड में लेके आते हैं। वाह ये है गाइस प्रोटैगनिस्ट का बेब्लेड, इसका नाम क्या था, हेल साइट 460T टेपर मेरे हिसाब से। ये मैंने ड्रॉन्जर में देख लिया था टी, अरे ड्रॉन्जर के वीडियो में तो मैंने उसको टॉल बोला था। और फाइनली गाइस ये लॉन्चर हमें देखने मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लोगों के हिसाब से ये स्ट्रिंग लॉन्चर से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हेल साइट BX02, तो मतलब BX01 मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्ड है। और यहाँ पे सब बेब्लेड के पार्ट्स दिखाए हैं, 460 रैचेट, यहाँ पे टेपर ये बिट, तो ये एक और है बेब्लेड, मस्त लग रहा है। काफी टाइम के बाद मैंने ऐसे सारे बेब्लेड्स एक साथ मंगाए। यहाँ पे है विजार्ड एरो, ओरिजिनल कलर में विजार्ड एरो है BX03 विजार्ड एरो 480B। तो आप देख सकते हो कॉम्बो सेम है बस कलर अलग है और इसमें लॉन्चर नहीं मिलेगा आपको। तो बेब्लेड एक्स के प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं एक्चुअली ओवरऑल, और लोग इसको मतलब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज और सब लगने की वजह से बेब्लेड प्रोडक्ट्स जो है थोड़े महंगे हो रहे हैं, और ओवरऑल भी बेब्लेड एक्स जो है थोड़ा महंगा है, ऑब्वियसली नया जनरेशन है तो महंगा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 ये विजार्ड एरो येलो कलर का, और ये इस बंदी का बेब्लेड है। तो नाइट लैंस ये किसका है फिर, ए दो दो बंदिया, ओके, इसमें बहुत लड़की लोग है यार, अच्छा वाओ यार फाइनली हमें देखने मिल रहा है एक जेंडर इक्वालिटी टाइप का बेब्लेड आने में, क्योंकि जब भी हमारे इसमें हिलरी थी किसके टाइम पे, प्लास्टिक जन के टाइम पे, वो तो कतई नल्ली लड़की थी, उसको तो कुछ भी नहीं आता था, वो खाली मतलब टाइसन की क्या बोलते हैं उसको,
गुड़िया बन के ऐसी थी और ओवरऑल ऐसे भी कुछ था नहीं उसमें। फिर उसके बाद मेटल फाइट में हिकारू थी, फिर उसके बाद मेमे है, ये लोग सब लोग। मेरे हिसाब से मिंगमिंग एक अच्छी लीडर थी इसमें प्लास्टिक जनरेशन में बेगा के साइड से। बट हाँ, मतलब मेटल फाइट में हिकारू ने भी बहुत बहुत बुरी तरीके से मार खाया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं नए, वो कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखने को बहुत मजा आएगा। फाइनली गाइस, नंबर 1 BX01 ड्रान स्वॉर्ड मेरे पास ऑलरेडी है, पर मैंने एक और रखा है अच्छे लक के लिए। तो यहाँ पे है 360F, ये है ड्रान स्वॉर्ड और ये है हमारा आई डोंट नो सेकेंड मेन कैरेक्टर। यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख देते यार इसका, तो मैं पढ़ पाता था, बट पता नहीं वैसे तो क्या ही है नाम, तो इवेंचुअली मुझे बाय हार्ट और याद हो ही जाएंगे, वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं उसमें। और फाइनली गाइज, नाइट शील्ड BX04 नाइट शील्ड 380N। तो यहाँ पे है 01, 02, 03, 04, 05, 06 और ये है क्या 07। मेरे हिसाब से 07 है, नहीं ये 13 है। तो बीच में के कोई कोई चीजें, हाँ वो एक 3X बूस्टर भी आया था ना यार, वो क्यों चाहिए, वो तो मैं नहीं लेने वाला, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल अरे आज के अनबॉक्सिंग में इतने सारे प्रोडक्ट अपने पास आ गए हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में फटाफट बोल दो आपको किसकी अनबॉक्सिंग पहले देखनी है। मतलब मैं ऑब्वियसली सब अनबॉक्स करने ही वाला हूँ सिवाय कुछ के, फॉर एग्जाम्पल ये जो बूस्टर्स है इनको मैं अनबॉक्स नहीं करूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा, या फिर मैं बूस्टर्स को अनबॉक्स करूंगा, जो ओरिजिनल है उनको रख दूंगा ऐसे, पता नहीं। बट हाँ मेरे पास हेल सहित को अनबॉक्स करने का श्योर शॉट प्लान है, और उसके बाद देखते हैं। तो नाइट लायंस को भी अनबॉक्स करना है यार, शार्क एज भी आ गया है उसको भी लेना है, देखते हैं। शार्क एज काफी महंगा चल रहा है वो बूस्टर, पर देखते हैं गाइज। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको इसमें से किसकी अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में देखनी है, और वैसे मैं अनबॉक्सिंग चालू कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।